देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा, विधायकों ने पोस्टर लेकर किया जमकर हंगामा। आरजेडी नेता सुनील कुमार राय का हुआ अपहरण, अपहरण का फुटेज भी आया सामने। मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर हुआ थानेदारों का तबादला, 11 नए थानेदार और 2 नए उपाध्यक्षों का हुआ तबादला। नालंदा में टोला सेवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नालंदा में स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार अभियान का हुआ शुभारंभ, डस्टबिन वितरण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम बिहार। तो चलिए रुक करते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां विधानसभा अब जंग का अखाड़ा बनती जा रही है, चाहे वो यूपी की विधानसभा हो या बिहार की। आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर कई दिनों से हंगामा लगातार जारी है। इस बार बिहार विधानसभा के बजट का सत्र भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर और अन्य मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने हंगामा करते हुए माइक तक तोड़ दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की भी अब लगातार मांग की जा रही है। स्वाभाविक है कि जो सदन में हुआ, जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, अरे भाई बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष है, आपके बात तो का बहुत जबरदस्त वजन है, उनको बोलने दीजिए। हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा और सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता एकदम नहीं है और स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष माइक का एग्जांपल दे रहे, नेता प्रतिपक्ष ऐसे ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई आप, क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है, जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को काट रहे हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांग। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बिहार का विधानसभा सत्र भी काफी हंगामेदार रहा, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कौन कौन से मुद्दों को उठाया और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया है? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई उससे पहले बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए सारा प्री प्लानिंग किए हुए था कि सरकार को घेरनी है। बता दें कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर लोग मांग उठा रहे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, क्योंकि उनके ऊपर कई संगीन आरोप है, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? जो सीबीआई हो ईडी हो उनके ऊपर जांच कर रही है तो सामने पेश नहीं आते हैं और उनसे पीछे भागते हैं, और जब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आते हैं तो बीजेपी पर भड़ास उतारते हैं। तो एक किस तरीके की दोहरी राजनीति कर रहे हैं। वैसे में लेकर आप जब सदन की आज कार्रवाई थी उस समय
बीजेपी के एक विधायक थे लाखेंद्र पासवान, उन्होंने एससी एसटी का जो स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप जो बंद कर दिया गया उसको लेकर उन्होंने विधानसभा के अंदर सवाल खड़ा किया। तो उस दरमियान जब उनके जो सदन के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी ने उनके आवाज को रोकने का प्रयास किया, उस दरमियान उन्होंने माइक को ही तोड़ दिया, माइक को तोड़कर हटा दिया, जिस बीच में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खड़ी हो गया। उसके बाद जिस तरीके से यादव परिवार पर लगातार सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है, तो क्या सदन में उसकी भी बौखलाहट देखने को मिली? जी बिल्कुल, ईडी और सीबीआई अपनी एक संवैधानिक संस्था वो अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो सदन के अंदर मात्र जो 30 दिन का जो कार्रवाई है, जिसमें हर एक पहलू, हर एक मुद्दा, बिहार से जुड़ी हर एक मुद्दा पर चर्चा करना, बजट में कौन से बजट पेश होगी, कौन से बजट किस विभाग के लिए क्या काम करेगा अगले वित्तीय वर्ष में, लेकिन वो नहीं देखकर सदन के अंदर सीबीआई हो, ईडी हो, जैसे कई अनेक संस्थानों को यहाँ पे फोड़ी जा रही है। अब ऐसे में अभी देखना होगा कि अभी जो आज जो 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 लखेंद्र पासवान थे उनको 2 दिन के लिए कार्यकाल से निष्कासित कर दिया गया, उनको विधानसभा से बहिष्कार कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी का जो तमाम जो विधायक हैं वो सरकार को घेरने पर लगी हुई कि सरकार जो है कि सरकार हम लोगों के बातों को दबाना चाह रही है। भाई बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर जनता तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छपरा में आरजेडी नेता सुनील कुमार राय का अपहरण हो गया और बदमाशों ने हथियार और नकाब पहनकर किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि उनके ऑफिस से ही अपराधियों ने उनका अपहरण किया। सुनील कुमार राय पूर्व में राजद में बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। सुनील कुमार के अपहरण का फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि 5 से 6 लोग उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें स्कॉर्पियो में भी बिठाते हुए नजर आए हैं। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये अपहरण का फुटेज भी अब सामने आया है। ये आरजेडी नेता सुनील कुमार राय के अपहरण की तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 5 से 6 लोग हैं वो आरजेडी नेता को उस स्कॉर्पियो के अंदर भरते हुए नजर आए हैं, और ये हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक नेता के किडनैपिंग की तस्वीरें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां की कानून व्यवस्था काम कर रही है कि जब एक नेता का अपहरण हो जाता है तो वहां पर आम जनता किस तरीके से सुरक्षित है। ये बेहद ही बड़ा और अहम सवाल है। मुजफ्फरपुर में 11 थानेदार और 2 उपाध्यक्षों का तबादला किया गया है, साथ में 2 सर्किल इंस्पेक्टर को भी बदला गया है। थाने में अब नए थानेदारों की नियुक्ति कर दी गई है। एक साथ कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो थानेदारों का तबादला हुआ है, SSP राकेश कुमार ने बेहतर कार्य करने वाले कई पुलिस पदाधिकारियों को अब कमान सौंपी है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में लगातार जो दंगे हैं उसकी खबरें आ रही थी, बीते दिनों ट्रेन भी रोकी गई थी, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी, जिसको देखते हुए अब बड़े पैमाने पर 11 नए थानेदारों का तबादला किया गया है। तो बड़े पैमाने पर थानेदारों का तबादला किया गया है, और साथ ही साथ जो लोग बेहतर कार्य करते हैं, जो पुलिसकर्मी बेहतर कार्य करते हैं, उन्हें और बड़े जिलों की कमान अब सौंप दी गई है। खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड में स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार अभियान के तहत डस्टबिन वितरण का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड समन्वयक श्वेता कुमारी ने कहा कि लोहिया स्वच्छ अभियान के द्वितीय चरण के तहत ग्राम पंचायत में डस्टबिन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान ग्रामीणों से अपील की गई कि ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की भी बेहद ही ज्यादा जरूरत है। वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ लोगों का डस्टबिन वितरण किया गया, और जो स्वच्छता कर्मी ठेले चालक उनको हरी झंडी दे करके और उनको रवाना किया गया, और उनको बताया गया कि भाई अब आप लोग अच्छे ढंग से काम कीजिए और अपने पंचायत को स्वच्छ, अपने वार्ड को स्वच्छ रखिए। जागरूक करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जागरूक करने के लिए लोगों को बताया भी जा रहा है, लोग को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो सूखा जो दो डस्टबिन कितना वार्ड में वितरण किया गया?
13 वार्ड हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में थैला का वितरण किया गया और कुछ डस्टबिन का भी वितरण किया गया, पहले भी वितरण किया जा चुका था, बचा हुआ कुछ लोग थे उनको वितरण किया गया। कुल कितना डस्टबिन का वितरण होना है? कुल डस्टबिन का वितरण करीब करीब 2000 4000 दोनों मिला करके 4000 डस्टबिन का वितरण किया जा। खबर नालंदा से है जहां टोला सेवक रामानंद मांझी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि रामानंद मांझी धरधड़ी प्रखंड के टोला सेवक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे और वो कुछ दिनों से काम को लेकर तनाव में चल रहे थे। जब घर के बाकी लोग छत पर गए हुए तो उन्होंने फांसी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस सब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अच्छा, कैसे क्या हुआ? वह आज तो छुट्टी पर थे, अचानक आए भूल टहल के घर में, करीब 2 बजे सोने के उपरांत गए, कमाड़ी लगा लिए, उसके 1 घंटे बाद इनका परिवार देखने जाते हैं तो मृत अवस्था में पाया। तो मैंने कुछ विवाद हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपसी झंझट कुछ नहीं। काम को लेकर कोई तनाव? काम के तनाव कुछ दिन तक मन तनाव चल रहा था, अपना ड्यूटी जाते थे आते थे, आज ऊपर आप छुट्टी ले लिए अपने HM साहब से कि आज नहीं आवेंगे सर। नालंदा में ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई और मौत की सूचना परिजनों को भी दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम TV पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम TV। खबर नालंदा से है जहां नदी से पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। अज्ञात महिला के शव दफन होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई और सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफनाए हुए शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। जैसे देखा था वहाँ गाँव को टेलीफोन किया, थाना में यहाँ लाश गड़ा हुआ है, हम लोग थाना से चले देखे, वहाँ से उखा रहे उखा करके तब यहाँ से लाए। हाँ, क्या लगा सर सबको देखने से, क्या प्रतीत हो रहा है? प्रतीत हुआ वो मारा, मार के काट दिया है। अभी तक अननोन है जी? अननोन बॉडी है? अननोन बॉडी। हाँ, लबारी से लेडीज है, ओ महिला है। क्या नाम होता है? मेरा नाम दिलीप कुमार है सर। उम्र कितना बुझा रहा होगा महिला का? 24 बरस होगा। अक्सर
अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले मुजफ्फरपुर के मौलाना शबीब काजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। मौलाना शबीब काजिम को गिरफ्तार करने की वजह उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर काफी हंगामा किया था। वही इस दौरान डीएसपी ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। विवाद वहां पर ही बनाए हुए थे तो ट्रिब्यूनल का आदेश था कि इनको वहां से हटाना है और जो लीगल वहां के अधिकारी बनते हैं उनको कब्जा दिलाना है। तो पिछले माह में ही इस तरह की कार्रवाई हुई थी न्यायालय का ट्रिब्यूनल के आदेश पर। उस टाइम में ये विरोध प्रदर्शन किए थे और प्रशासन का विरोध किए थे जिस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई थी उसी संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी हुई है। उस केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अवरक्षा में लेकर के इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हंगामा भी काफी लोगों का समर्थन किया। देखिए जहाँ तक बात है ये हमेशा विवाद मोतिहारी में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। यहाँ इंटर की छात्रा से गैंगरेप के बाद युवती को कुएं में फेंक दिया गया। कुएं से चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने छात्रा को निकाला लेकिन गनीमत यह रही कि कुएं में पानी कम होने की वजह से छात्रा की जान बचाई जा सकी, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और अब उस युवक से लगातार पूछताछ जारी है। अस्पताल में आई है, उसका समुचित इलाज हम लोग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से फिजिशियन से उसका एग्जामिन करा देंगे। कहीं शरीर में जख्म? वो तो लेडी डॉक्टर देखेंगे तब बताएंगे। प्राइवेट पार्ट से कहीं जख्म है कि नहीं, कहीं चोटों का निशान, वो तो उस पर उन्हीं का कमेंट होगा। जैसे प्राइवेट पार्ट वगैरह कोई जख्म वगैरह है कि नहीं, चोट है कि नहीं, तो एग्जामिन करेंगे तब बताएंगे। कुआं में भी फेंका गया था, कहाँ तो जा रहा है इसे? बाढ़ में मोकामा प्रखंड में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है, जिसको लेकर बीडीओ ने विकास योजनाओं में अनियमितता की जांच कर मामले को उजागर किया है। बीडीओ ने गांव में बनाई गई सड़क की गुणवत्ता की जांच की और ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में घटिया सड़क निर्माण कार्य का पर्दाफाश भी हो गया। सड़क के निर्माण कार्य में गुणवत्ता से भी खिलवाड़ किया गया है। आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी और उन्होंने बताया था कि जो कार्य किया गया है कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। पुराने कार्य के पर ही ऊपर से सिर्फ सीमेंट और बालू मिलाकर काम करवाया गया है। आज उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए थे जांच करने, तकनीकी टीम भी थी और मैंने खुद स्वयं भी देखा है कि जो ढलाई का कार्य हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। उसके अलावा जो मानक होता है ढलाई का कि 6 इंच या 4 इंच उस हिसाब से भी नहीं पाया गया, कार्य जो है सिर्फ 1.5 इंच। प्राइम बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।